नमस्कार, glibs.in में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। भले ही धमतरी के कई जगहों पर माओवादियों के खौफ का साया मंडराता हो, पर मगरलोड इलाके के बीहड़ में माता की भक्ति का मानो जन सैलाब उमड़ पड़ता है। मां निरई माता के चमत्कार का ही प्रभाव है कि अपनी मुरादें पूरी करने दूर दूर से लोग यहां खिंचे चले आते हैं। माना जाता है कि नवरात्र में यहां ज्योति खुद ब खुद जल उठती है। खास बात है कि माता का दरबार साल में एक ही बार चैत्र नवरात्र पर ही खोला जाता है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। धमतरी से करीब 70 किलोमीटर दूर मोहेरा पंचायत के घने जंगलों के बीच मौजूद है मां निरई माता के दरबार में चहुं ओर यही जयकारा गूंजता रहता है। जब मां के भक्त मां के दर्शन को चले आते हैं, जी हां, मगरडोल इलाके के इस बीहड़ में लोग माता के दर्शन करने आते हैं। इस बीच उनके रास्ते ना तो फासलों की मुश्किलात रोक पाती है और ना ही नक्सली संगीनों का खौफ। बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले बीहड़ में निरई माता के मंदिर की स्थापना की गई थी और वहीं पुजारी बेगा की सेवा से प्रसन्न होकर माता अपने भक्त बेगा को ममता दुलार देती थी, उसे नहलाती और खाना भी खिलाती थी। लेकिन बेगा की पत्नी शक पर माता क्रोधित हो उठी, जिसके बाद किसी भी महिला को नहीं देखने अपनी इच्छा जाहिर की। यही वजह है कि इस मंदिर में महिलाओं के आने जाने पर मनाही है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन ही माता के दर्शन करने का रिवाज है। वही मां निरई माता का यह दरबार श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया है और आज यहां मौजूद मंदिर शक्ति पीठ की गवाही दे रहा है। भक्तों की माने तो चैत्र नवरात्र में यहां खुद ब खुद ज्योत जल उठती है। इसके अलावा कई चमत्कार भी दिखाई पड़ते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि माता जी हा एक अरक खेत है, मतलब कोन्हाकत है, वहाँ जो माता जी आईस काबर आईस बैगिन है ये गांव रहीस निरई गांव में, और वहाँ वो बासी अमराल जाए खेत में बैगा पुजारी है या भैसे है के बघवा के नांगर फांदे सांप के तुतारी बिसी के अगर यह आ रहा है सांप के लौड़ी तुतारी बनाए, और वो बैगिन हाँ माता जी आए अपन बासी धर के बैगा ल नहाए खवा जा रहे बाप पीछू आए बैगिन हाँ तो पीछू आए बैगिन हाँ तब बोला मतलब खाना खवाए बार तब कम खाए वहाँ तो बैगिन कही कैसे खाना कम खाते और चिकन चिकन दिखते ऐसे कही के तो वो पास ही बरे बैगिन हाँ ये देख रहे खेत है और वहाँ बैगिन पासे बरही तो अब माता जी आई नांगल खड़े करीस नांगल खड़े करी तब ये रुख में चढ़ गए बैगिन हाँ रुख में चढ़ गए तब माता जी आई झाड़ी लोटा में पानी धर के बासी धर के और आके फिर मतलब आगू खड़े हो गए नांगर के बाग के नांगर है तो वो फिर खड़े हो गए बैगा बैगा खड़े हो गए तब वो ना नहाई नहाई सोला मस्त बासी खवाईस और चल दीस माता जी हाँ अरे ये हराम जाती है मोला मोर बैगा ला पति बढ़ता है पड़ती एक मुहनी देखे ये है कहाँ ला हराम जादी कही के ओकार चुंदी पकड़ ली कौन है बैगिन है तो माता जी कही इसके हर तरह दुष्टि ते हा आज मात मतलब नहीं समझे मैं माता जी हूँ निरई माता हूँ मैं ते हा मोला भरम दे आज पड़ एक मुहनी देखूँ कही आज तक के पड़ एक मुहनी देखे माता जी माता बहुत तेह है
मनोकामना पूर्ण करता है सभी का। इसी नाम से मैं दर्शन के लिए आया हूँ, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जय माता दी, जय माता दी। कैसे पता चला इस बारे में, कौन बताया आपको? हमारे गांव से भी आए हैं तो वही लोग बताया तो मैं आया। माता जी ने शक्ति दिया है तब मैं चढ़ा हूँ। मोर नसीब है लेकिन दर्शन नहीं कर पात हूँ, आए जरूर हूँ। वो बैगा वापिस हो जाते हैं, अब कोनो ला जाए कर मती नहीं है, अब नहीं जा सकूँ मैं। हाँ कहा ऐसे है तो माता जी जाने वाला मतलब नसीब वाले मतलब दर्शन मिलते। अब वही समझो वहाँ ऐसे है, वहाँ कोई दारू पी के नहीं जा सके, ना कोई बेल्ट लगा के नहीं जा सके, कोई लाल कपड़ा पहन के नहीं जा सके, ऐसे कहना है। और वहाँ ऐसे है मंदिर से है तो हमला नीचाबे कन्हो नीचाबे एक झला चाबी हत का बीच में ऐसे वहाँ प्रत्यक्ष मंदिर से हमला देखा में मिली से जो पी के जाते। हाँ वो अतकल जन खड़े हैं, कोई नीचा भी एक आदमी चाबी जन लपिए है वो ही चाबी अतकल जान थो। वैसे तो हर दिन भक्तों की भीड़ रहती है पर नवरात्र के पहले रविवार को यहाँ मेले जैसा माहौल रहा। लोग दूर दूर से इस दरबार में माथा टेकने पहुँचे, जो मानते हैं कि सिर पर माता के हाथ और साथ रहे तो उन्हें किसी खौफ की परवाह नहीं है। अब मूर्ति तो नहीं हो है, बाकी जोत भी जलते रहते हैं। बगर जला है साल में एक बार। कौन से नवरात्र? नवरात्रि चैत नवरात्रि में। हाँ संडे के भर आंदनी आएगा, आंदनी आए भावार वावार सब अगवा बगवा हर चीज यहाँ जंगल है। बहरहाल भक्ति और शक्ति का ये अद्भुत नजारा ये बयां करता है कि आस्था के सामने खौफ कोई मायने नहीं रखता। मोहेरा गांव के पहाड़ में मौजूद माता के मंदिर में लोग इसी यकीन पर चले आते हैं।